नमस्कार साथियों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बात की थी कि हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी एक पूरी सीरीज की, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ करके और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स जो है मंथली हम कवर अप करने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको जो राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उन पर चर्चा की थी, और अब इस कक्षा में आज हम बात करेंगे जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की जो अंतरराष्ट्रीय जो भी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है या सरकार के द्वारा उनमें कोई भी बदलाव किया गया है, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। इस कक्षा की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के और आप जो है वहां से ज्वाइन करके और पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना वैकेंसी की चिंता किए अगर हम अपनी पढ़ाई में लगे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैकेंसी जब आनी होगी तब वो आएगी ना, तो आपके रोकने से रुकेगी और ना ही आपके कहने से आरपीएससी वैकेंसी जारी भी करेगी। आप अगर अपना लक्ष्य आरएस एग्जाम को बना रखें तो आप फिर उस पर ही फोकस रहें, ये ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली जो हमारी आज की स्कीम है वो है आपके राष्ट्रीय नारकोटिक्स की जो हेल्पलाइन है उसके बारे में। तो दोस्तों, मानस नाम से एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। नारकोटिक्स आप सभी समझते हैं, नशे से संबंधित जितने भी जो पदार्थ हैं उनका कोई भी यूज करता है तो वो सारे नारकोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। और ये देखने को हमने पिछले कुछ समय में देखा है, जो हमारा एनसीआरबी का जो डेटा है उससे भी हमें पता चला है कि लोगों में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें नशे की आसानी से उपलब्धता हो या फिर हमारी जो कार्यान्वयन एजेंसीज हैं उनके कार्यों की कमी हो या उनकी तत्परता में कमी हो, ठीक है, या फिर युवाओं पर जो सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रचलन है, इन सब की वजह से लगातार लोग नशा प्रवृत्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान जीवन में जो अवसाद की जो स्थितियां हैं या पारिवारिक जो कलह और समस्याएं भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। इसी चीज को देखते हुए, चूंकि स्वास्थ्य हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, तो हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात हमेशा की जाती है, और इसीलिए केंद्र सरकार भी लगातार ये प्रयास करती है कि लोगों को कैसे भी करके और नशे से दूर रखा जा सके। इसीलिए हाल ही में एक टोल फ्री नंबर 1933 शुरू किया गया है। इसके साथ में एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है, मतलब एक वेबसाइट शुरू की गई है, और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन और जो हमारी उमंग ऐप है उसके माध्यम से लोगों को न केवल जानकारी साझा करने की बात की गई है, ठीक है, बल्कि नशा मुक्ति और पुनर्वास से जुड़ी जो सलाह है वो भी ली जा सकती है। तो यहां से सरकार की ये कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मात्रा में हमारी जो जनता है उसको नशे से दूर रखा जा सके, ताकि इसकी वजह से जो हमारी एक तो युवा शक्ति का जो ह्रास हमें होता है, अपराधों में जो वृद्धि होती है और स्वास्थ्य संबंधी खर्च में जो वृद्धि होती है, इन सभी चीजों को कम किया जा सके, इन सभी को रोका जा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है तो ये वो सारा का सारा डिटेल्स है इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली एक और स्कीम की, जिस पर हाल ही में थोड़ी चर्चा में वो रही है, और आपने भी देखा होगा कि लगातार आपके आसपास के क्षेत्रों में जो सोलर संयंत्र हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही होगी, खास करके रूफटॉप सोलर संयंत्र की। तो पंचामृत के अंतर्गत भी हम चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले, और 2070 तक हम नेट शून्य देश बनना चाहते हैं, अर्थात हमारा जो उत्सर्जन है उसको जीरो करना चाहते हैं। तो जितना हम उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम जो है नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा का निर्माण कर पाए, इसके लिए जो सोलर ऊर्जा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2024 में एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, इसके पीछे उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण और शहरी सौरीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, और इसके लिए कोई बहुत बड़े जगह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे घरों पर भी अगर हम सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं तो 30 गीगावाट का एक लक्ष्य रख करके और काम उसमें किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 किलोवाट तक की क्षमता का अगर कोई भी सोलर पैनल लगाता है
तो उसको जो लागत है उसकी, उसका 60% तक खर्च दिया जाएगा। अमूमन ये माना जाता है कि 1 किलोवाट सोलर की लागत लगभग 50,000 रुपए वर्तमान में आंकी जाती है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो उसको 60,000 रुपए की छूट इसमें दी जाएगी। मतलब अगर 1 लाख रुपए का उसको 2 किलोवाट के पैनल पे खर्चा हो रहा है तो 60,000 की छूट उसको यहाँ मिलेगी। और अगर उसके बाद कोई 3 किलोवाट तक करता है तो फिर अतिरिक्त जो लगा रहा है उसमें उसको कितना, लगभग 18,000 रुपए का, 40% के करीब, मतलब 18,000 रुपए का और अधिक छूट उसको दी जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर के 3 किलोवाट तक 78,000 रुपए की सब्सिडी यहाँ पर दी जाए, ताकि जो हमारे घरेलू उपयोग करता है, क्योंकि ज्यादातर 1 किलोवाट से लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 यूनिट बिजली आप पैदा कर सकते हैं। और अगर 3 किलोवाट का भी कोई सोलर संयंत्र लगा ले तो वो आसानी से अपने घर पे 15 से 16 जो यूनिट, मतलब कि पूरे महीने में 400 से लेकर 500 यूनिट तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। अब हमारे यहाँ पर जो घरेलू स्तर पर अगर हम बात करें तो सामान्य लोगों के घरों में मुश्किल से 300 से 400 किलो यूनिट तक ही बिजली का उपभोग होता है। ऐसे में बनने वाली अतिरिक्त बिजली को वो ग्रिड में बेच के और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा घर आत्मनिर्भर बने ऊर्जा के मामले में, और वो ग्रिड को अतिरिक्त एनर्जी भी प्रदान कर पाए। ठीक है, तो ये सोलर यूनिट या बिजली की ये किया जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर गांव का भी एक कंसेप्ट इसमें लिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो हमारे गांव है उनके अंदर ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण छतों पर भी ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाए जाए और उसके माध्यम से ग्रामीणों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली यहाँ पर दी जाए। और इसके लिए सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से 1,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। मतलब अगर ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में बढ़ावा देती है सोलर पैनल लगाने को, तो अगर मान लीजिए 100 घरों में ग्राम पंचायत ने अपने सोलर पैनल लगा लिए तो ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से हर घर के लिए 1,000 रुपए मिलेगा। और ये जो राशि मिलेगी इसका प्रयोग ग्राम पंचायत अपने स्थानीय जो विकास के कार्य हैं उनमें कर सकती है। तो ये प्रोत्साहन राशि के रूप में वहां पर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो वर्तमान में चल रही है और जिसके अंतर्गत जो है ज्यादा से ज्यादा घरों का सोलरीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको बची हुई राशि, मतलब 78,000 तक की तो सब्सिडी यहाँ पर मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो बची हुई, जैसे 67,000 रुपए आपके बचे 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पे, तो उस पर जो भी हमारी ब्याज है उस पर लोन भी मिल जाएगा। तो बैंक लोन लगभग 7 से 8% की दर पर बैंक लोन भी आप वहां पर ले सकते हैं। मतलब आपको ये 67,000 भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोहरे फायदे यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके फायदे क्या होंगे, पहला तो घरेलू जो भी उपभोक्ता हैं वो घर पर बिजली बना पाएंगे और बिजली के बिल में कमी होगी। क्योंकि आप सोच के चलिए 10 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्चा होता है, 300 यूनिट अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 3,000 रुपए आपके सीधे सीधे बिजली के बिल में आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो 3 किलोवाट में आपकी किस्त होगी केवल और केवल 1,327 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा 1,700 रुपए का बचत, जबकि आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, पूरा का पूरा आपने लोन करा लिया, बाकी सरकार ने सब्सिडी दे दी। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट वाला मामला है। दूसरा, एडिशनल इनकम, तो अगर आप बचत करते हैं बिजली की और अतिरिक्त ऊर्जा अगर आप ग्रिड में भेज रहे हैं, उसके लिए आपको एक निश्चित दर पर सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में भुगतान किया जाएगा डिस्कॉम के द्वारा। फिर 30 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी हम जनरेट कर पाएंगे हमारे देश भर में, तो ये अतिरिक्त जो है ऊर्जा अवसंरचना का सृजन हमारे यहाँ पर हो पाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ 720 मिलियन टन्स ऑफ CO2, तो लगातार जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, उसको भी हम यहाँ पर कम कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, और फाइनली बहुत से लोगों को जॉब मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, इंस्टॉलेशन में, ठीक है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में, इस तरह के बहुत से रोजगार भी यहाँ पर इससे सृजन हो पाएंगे। सरकार इस तरह की योजनाएं इसलिए लाती है ताकि दोहरे लाभ हो, ना केवल अवसंरचना सृजन हो, ना केवल पर्यावरण संरक्षण हो, बल्कि इसके साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सके। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आरएस जंक्शन के द्वारा आप सभी की तैयारी को धार देने के लिए और बेहतरीन डेडिकेटेड तरीके से आप केवल मात्र आरएस के लिए तैयारी कर पाए, इसके लिए हमने हमारा फाउंडेशन बैच भी शुरू कर दिया है जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ठीक है, 16 से 18 महीने की अवधि का कोर्स है, आपको किफायती दरों पर बाकी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में बहुत ही बेहतरीन जो सारे के सारे सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर अध्ययन का मौका मिलेगा और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप में इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे एक टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर दी है, तो 25 अगस्त से हमारी ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे साल भर आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपने 4 महीने या 3 महीने की टेस्ट सीरीज शुरू की और पता चला कि वैकेंसी नहीं आई, तो अगले एक साल में निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी आएगी। तो दिसंबर तक हम आपको सेक्शनल टेस्ट और उसके बाद फुल टेस्ट की तैयारी करवाने वाले हैं, प्री और मेंस दोनों एग्जाम की, तो वो हमारे इस टेस्ट सीरीज में है। और अभी 20 अगस्त तक आपको 30% की डिस्काउंट इन पर सीधे सीधे हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं, तो उसका भी आप लाभ यहाँ पर उठा पाएंगे। तो बिना देर किए आज ही हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारा बजट आया है, आप सभी जानते हैं, जुलाई में, और केंद्र सरकार ने अपने बजट में इस बार फिर से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक प्रावधान रखा है। तो राज्यों और निजी क्षेत्र की जो साझेदारी है, मतलब दोनों मिलकर के 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी। ठीक है, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो होंगे वो उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार का सृजन भी होगा और इसके साथ साथ अतिरिक्त आय भी उन राज्यों को हो पाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को इसके अंतर्गत मंजूरी दी जाएगी। कितने? 12 औद्योगिक पार्क नए बनेंगे, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पार्क बनेगा वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में बनेगा, तो दिघी बंदरगाह जो है वहां पर। तो कुल मिलाकर 12 नए बड़े औद्योगिक पार्क बनेंगे इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अब ये औद्योगिक कॉरिडोर तो पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 11 कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो हम उन 11 कॉरिडोर पर भी बात कर लेते हैं कि वो 11 कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जो कॉरिडोर आता है जो बहुत ही चर्चा में भी रहा है, आप सभी जानते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस पर हमने बहुत बात की है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका जो है दादरी से शुरू होता है और राजस्थान के लगभग 44-45% भाग को कवर करते हुए और कहां पर जाकर पहुंचता है, आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, तो यहां तक ये महाराष्ट्र में जाता है। तो मुंबई तक हम यहां पहुंचते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ा पोर्ट वो दिघी बंदरगाह जो है वो यहां पर है महाराष्ट्र का, जो यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो 12 औद्योगिक पार्क है वो इन 11 कॉरिडोर के ही आसपास किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ पर हो गया, इसी तरह खुशखेड़ा भिवाड़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ पर नीमराना वाला, तो दो हमारे इन पे हो गए। इसी तरह और भी छोटे छोटे बहुत से पार्क यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरा जो है वो अमृतसर कोलकाता है, जो आपके अमृतसर से शुरू होकर के और वेस्ट बंगाल के धनकुनी तक जो है पहुंच रहा है। तो ये दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ से आसपास के क्षेत्रों तक निर्बाध रूप से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, सप्लाई चेन डेवलप की जाएगी, ताकि जो उत्पादन होता है वो ऐसे स्थानों तक पहुंच सके जहां से उसको विदेश तक भी हम भेज सकते हैं। अब धनकुनी जो है बंदरगाहों के नजदीक स्थल है, तो वहां तक अगर हम अमृतसर का माल पहुंचा पाएंगे तो निश्चित रूप से उसके बहुत से लाभ हमको होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे इसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनकी अगर हम बात करें, तो दक्षिण भारत में हमारा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। तो ये चेन्नई को जोड़ेगा बेंगलुरु से, दोनों ही राजधानियां हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी निर्बाध परिवहन होगा और इसी के आसपास छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया आप देख सकते हो, जैसे कि कर्नाटका में टुमकुरु हो गया, इसी तरह कृष्णापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में और पोन्नेरी हो गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इनके भी यहाँ से कनेक्टिविटी होने से इन इंडस्ट्रियल एरिया के जो उत्पाद है उनको ये चेन्नई बंदरगाह तक की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी।
फिर देखिए चौथा जो है वो तटीय क्षेत्र में आपके विशाखापट्टनम को चेन्नई से जोड़ेगा। तो एक पूरा चेन, मतलब यहाँ चेन्नई जुड़ गया बेंगलुरु से और फिर यहाँ चेन्नई जुड़ गया विशाखापट्टनम से, तो ये एक और चेन यहाँ पर डेवलप हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हैदराबाद को यहाँ से नागपुर को जोड़ा जाएगा, ठीक है, और फिर हैदराबाद को वारंगल से, तो ये दो और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए। इसके बाद वही हैदराबाद को जो हमने देखा वारंगल से जुड़ गया नागपुर से और यहीं पर बेंगलुरु से, तो इस तरह से बेंगलुरु और फिर चेन्नई तक किसकी कनेक्टिविटी सीडीएम को देखने को मिल जाती है। हमने देखा था विशाखापट्टनम को चेन्नई से जुड़ते हुए, तो ओडिशा के कॉरिडोर से विशाखापट्टनम को कोलकाता से जोड़ देंगे, और अमृतसर कोलकाता वाले में हमने देखा था कोलकाता अमृतसर से जुड़ा हुआ है, फिर दिल्ली से होते हुए हमारा डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस तरह पूरे देश के अंदर एक अवसंरचना का विकास, ताकि पूरे देश में निर्बाध रूप से औद्योगिक उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह जो मार्केट्स हैं वहां तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट मुंबई को बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, और बेंगलुरु को यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला में एक्सटेंशन किया जाएगा, जो हमारा सीबीआईसी था, मतलब जो चेन्नई बेंगलुरु का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था उसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे कोयम्बटूर, मतलब कोयम्बटूर तक का जो बंदरगाह है हमारा कोची बंदरगाह जो है वहां तक भी हमारे पास में एक्सेस हो जाएगा। और अंत में जो दिल्ली है, दिल्ली को जो है नागपुर से जोड़ दिया जाएगा, तो इंटरनली देश के आंतरिक भागों में भी माल का आवागमन हो पाएगा। तो ये 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टोटल बन रहे हैं और इनके चारों तरफ 12 औद्योगिक बड़े पार्क विकसित किए जा रहे हैं जो प्लग एंड प्ले के रूप में होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो योजना चर्चा में रही जुलाई महीने में वो क्या है, वो है आपकी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ठीक है, नाम क्या है, नेट्स 2.0। तो पहले इसका एक वर्जन आ चुका है, एक चरण आ चुका है और अब ये दूसरा चरण इसका चल रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि प्रशिक्षुता का लोकतंत्रीकरण करना। लोकतंत्रीकरण का मतलब होता है हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाना, हर व्यक्ति तक उपलब्ध कराना। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति तक चीजें पहुंचे, सबको बराबर अधिकार मिले, तो हमारा हर एक व्यक्ति कौशल से पूर्ण हो और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जनसांख्यिकीय लाभांश जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि 2026-27 आते आते हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्य करने वाली मतलब कार्यशील आबादी का होगा, 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु का होगा, और इसका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि इस युवा वर्ग को हम कौशल से युक्त कर पाए, और ये कौशल न केवल पुरानी तकनीकों में बल्कि इसके साथ साथ जो भी हमारे नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें होना चाहिए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते प्रचलन के साथ साथ आवश्यकता है कि अब डीजल और बाकी इंजन के जो मैकेनिक्स है उनके साथ साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स भी हमारे पास उपलब्ध हो जो कि ये सेवाएं दे सके। इसी तरह के और भी उदाहरण आप दे सकते हैं, वो एआई में हो सकता है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग में हो सकता है, वो रोबोटिक्स में हो सकता है, ठीक है, ये सारी जो तकनीकें नई नई आ रही है, ब्लॉकचेन में हो सकता है, वो कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर मिले। और इसीलिए 6 महीने से लेकर 18 महीने के जो भी इंटर्नशिप है प्रशिक्षित है उसके लिए छात्रों को 4500 रुपए प्रतिमाह देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो अगर आपको कोई पूछे कि नेट्स 2.0 योजना का संबंध किससे है, कौशल विकास से है, विशेष करके अप्रेंटिसशिप जो काम होता है, प्रशिक्षुता क्या होती है, अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप का जो काम है उसके अंतर्गत ये लाभ इसमें दिया जा रहा है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्मार्ट सिटी स्कीम से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू किया गया था आपके जून 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा, और ये एक लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों को हम स्मार्ट बना पाए। स्मार्ट क्या होता है उस पर बात करूंगा मैं भी। तो इसके अंतर्गत पूरे देश के 100 शहरों को चुना गया और उन शहरों को चाहे वो मोबिलिटी हो, चाहे वहां पर एजुकेशन हो, चाहे पर वहां पर लिविंग हो या फैसिलिटी गिविंग हो, हर एक चीज में तकनीक का प्रयोग करते हुए उनको जो है बेहतर तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जाए उस पर काम किया गया, ठीक है। और ये इसकी अवधि अभी समाप्त हो रही थी, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको आगे बढ़ाते हुए और 31 मार्च 2025 कर दिया, ठीक है। तो 90% काम इसमें पूरे हो गए और जो 10% बचा हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी अवधि को 1 साल के लिए, लगभग 2 साल के लिए बढ़ा दिया, तो 31 मार्च तक ये आगे बढ़ गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, स्मार्ट सॉल्यूशंस, मतलब हर एक तरह की समस्या है, चाहे सीवरेज की देख लो, पानी की देख लो, मोबिलिटी की समस्या देख लो, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या देख लो, इन सभी चीजों को हम डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से और डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से
बेहतर कर पाए उसके प्रयास इसके अंतर्गत किए गए। राजस्थान से 4 शहर थे, सब जानते हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। अब अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो ये पिक्चर आपको पूरा सब कुछ क्लियर कर देगा कि हमारे स्मार्ट सिटीज में क्या क्या आता है। तो देखिए कुछ कंपोनेंट्स पर आप ध्यान देंगे अगर स्मार्ट सिटी के, तो पहला आता है स्मार्ट मोबिलिटी, मतलब परिवहन, स्मार्ट परिवहन हो। ऐसा नहीं है कि अस्त व्यस्त तरीके से हम परिवहन कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, हमारा डीजल जलता जा रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और लोगों को फिर भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसके लिए मिक्स्ड मॉडल्स जो है उनको तैयार किया जा रहा है, मतलब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक ही जगह पर रेलवे, मेट्रो और बस, तीनों की फैसिलिटीज हो, मतलब हमारे जो स्टेशन है वो मल्टी मोड में हो, वहां पर सभी तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो ताकि लोगों को समय कम लगे। इसी तरह से क्लीन एंड नॉन मोटराइज्ड ऑप्शंस, तो जैसे ईवी बसों को चलाना, इस तरह के काम हो गए। इलेक्ट्रिक जो फेम योजना हमारे यहाँ पर है, ठीक है, वो हो गया। ये सारे क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे जैसे रोड्स पर जो रोड लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक हो, मतलब वो ट्रैफिक के दबाव को सेंसर्स के माध्यम से समझ सके और उसके अनुरूप ऑटोमेटिकली वो अपना एडजस्टमेंट कर सके, इस तरह की तकनीक का प्रयोग। स्मार्ट लिविंग, कल्चरली वाइब्रेंट एंड हैप्पी, सेफ एंड हेल्थी, मतलब सेफ हो। तो हमारे यहाँ पर अभय कमांड सेंटर जैसी जो सुविधाएं की जा रही है वो क्यों की जा रही है? ताकि कोई भी वारदात होने से पहले उसको रोका जा सके। हेल्थ की बात करें तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर डेवलप हो ताकि लोगों को अपने नजदीक में ही अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल सके। स्मार्ट गवर्नेंस, तो स्मार्ट गवर्नेंस ज्यादातर ई गवर्नेंस से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली बिना ऑफिस में गए या बिना किसी व्यक्तिगत बाधा के लोगों को सामान्य सुविधाएं आराम से उपलब्ध हो सके। अब आप देखते हो आजकल ज्यादातर जो एप्लीकेशन है या फिर आप जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो तो उनके अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से जो है एप्लीकेशन के माध्यम से उनके लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो वो ई गवर्नेंस को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी भी इससे बढ़ती है क्योंकि इसमें आपको एक नंबर मिलता है, उसके थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन उनको प्रोसेस किया जाता है। तो ये भी स्मार्ट सिटी का एक कंपोनेंट है। स्मार्ट पीपल, ना केवल व्यवस्थाएं स्मार्ट हो बल्कि उसके साथ साथ लोग भी स्मार्ट हो। लोग स्मार्ट कब होंगे? जब वो वेल एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में एजुकेशन को हम बढ़ावा दें, बेटर तरीके से लोगों को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, उनको डिजिटली अपग्रेड करें, ये जरूरी है। इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब समाज का हर वर्ग, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, महिलाएं, कोई ना बचे। और ये जो गैप आज भी हमको देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो बाकी चीजों में हो, वो सारा कवरअप किया जा सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी या नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए, ये भी इसमें सम्मिलित है। फिर आता है स्मार्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी स्मार्ट होगी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट सॉल्यूशंस हम डेवलप कर पाएंगे अपने स्तर पर इंडिजिनियसली, वो ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़नी चाहिए हर एक क्षेत्र में, मतलब हमारा जो चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे वो उद्योग हो, तो उनमें कम से कम खपत या कम से कम चीजत हो और ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप हो रही है ना, तो उसका भी ट्रांसमिशन में बेवजह अगर वो खर्च हो रहा है तो वो स्मार्ट नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर्स हमारे घरों में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब स्मार्ट जैसे वाटर के मीटर्स है वो भी अगले समय में, कुछ आने वाले समय में स्मार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मार्ट हो जाएगा, जो फूड डिलीवरी सिस्टम हम देख रहे हैं वो स्मार्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और भी जो चीजें हैं उन सबको स्मार्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। लोकल एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब अब ये नहीं है कि चीजें टुकड़ों में है या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें, नहीं, अब चीजें ग्लोबली जुड़ रही है एक दूसरे से, वो भी स्मार्ट सिटीज में आता है। फिर आता है स्मार्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमेशा से स्मार्टनेस का सबसे बड़ा एक हिस्सा रहा है। और जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? ऐसी बिल्डिंग्स जो अपना कंजम्पशन जो है खुद प्रोड्यूस करती है। और वो कैसे हो पाएगा? एक तो वहां पर किसी तरह का कोई कचरा ना निकले, ठीक है, और कचरा अगर निकल रहा है तो उसका वास्ट का डिस्पोजल ढंग से हो। दूसरा, जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हमारे बहुत से जो हवाई अड्डे हैं वो क्या हो रहे हैं? ग्रीन हवाई अड्डे। क्यों? क्योंकि वो जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो सोलर पैनल्स है उनके माध्यम से। सेम टू सेम ग्रीन एनर्जी, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन,
ये भी ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी को भी हम ग्रीन एनर्जी में लेते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण पर कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। और ग्रीन अर्बन प्लानिंग मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए हमारे शहरों में अच्छा एनवायरमेंट डेवलप करना, ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को बेहतर जिंदगी मिले। ये सारी चीजें आपके स्मार्ट सिटी में आती है। अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया तो आसानी से हम इसमें जवाब दे सकते हैं इन सारे कंपोनेंट्स पर ध्यान देते हुए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो निर्माण पोर्टल का फुल नाम क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेल्स एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है आपके एक संस्थान के द्वारा, और उस संस्थान का नाम क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। हम जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड पूरे देश भर में सर्वाधिक कोयले के उत्पादन के लिए उत्तरदायी एक संयुक्त उपक्रम है केंद्र सरकार का, और ये कोल इंडिया लिमिटेड जिन क्षेत्रों में खुदाई का काम करता है या जहां इसका ऑपरेशन होते हैं, उन क्षेत्रों की जो जनता है या उन क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में लाने के लिए ये योजना शुरू की है। तो जिन बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा में प्रारंभिक दौर मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में जो है अर्हता प्राप्त किया, क्लियर किया एग्जाम को, उन बच्चों के लिए 1,00,000 रुपए तक की सहायता ये दे रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 से कम हो जनरल में, या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हो। तो जिन जिन जिलों में कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है उन सब में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई, कोल इंडिया को क्या जरूरत है देने की? तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, उसकी सीएसआर लाइबिलिटीज है। अब आप बोलोगे सीएसआर लाइबिलिटीज क्या होती है, तो चलो सीएसआर लाइबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। दरअसल आप सभी के लोक प्रशासन का जो चैप्टर है, जो पोर्शन है, उसमें एक टॉपिक आता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो भैया कोई भी व्यवसाय चल रहा है तो समाज से बहुत कुछ ले रहा है, वो समाज से मेहनताना ले रहा है, समाज के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में न केवल लाभ कमाना उसका उद्देश्य होना चाहिए बल्कि इसके साथ साथ समाज को वापस कुछ दे, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। और यही सब जो है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जो निगम है उनके सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जाना जाता है। अब ये सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे पूरा हो, तो उसके लिए भारत सरकार ने 2013 में एक अधिनियम बनाया था जिसको बोलते हैं कंपनी अधिनियम। तो 1956 के कंपनी अधिनियम को डेवलप किया गया, उसको कुछ अपग्रेडेशन किए गए और ये नया अधिनियम लाया गया। और इसकी एक धारा आती है जिसको बोलते हैं धारा 135। इस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां जिनमें कुछ मापदंड इसमें निर्धारित किए गए, जैसे कि अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, नेटवर्थ का मतलब हो गया उसकी पूरी वैल्यू कंप्लीट जो उसके असेट्स और सबका वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है मतलब वो पूरे व्यवसाय जो करती है वो 1000 करोड़ से ज्यादा करती है, और यदि उसका पूरे साल का नेट प्रॉफिट सब कुछ खत्म करने के बाद 5 करोड़ हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% किन में खर्च करना पड़ेगा? सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना पड़ेगा। और ये आपने देखा होगा ना कि कई स्कूल्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि पेयजल के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, शिक्षा हो गई, पर्यावरण संरक्षण हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अस्पताल होते हैं उनमें कई बार मशीनें जो है बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो जैसे SBI बैंक के द्वारा आपने देखा होगा इस तरह की चीजें दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? ये इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो उनकी CSR लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी सब कुछ चीजें होती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया ताकि आपको ये समझा सकूं कि CSR क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में। ठीक है, तो स्किल इंडिया डिजिटल हब क्या है ये समझ लेते हैं। दोस्तों डिजिटल इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले आपके पोर्शन में इसको सम्मिलित किया गया है। टोटल 9 पिलर्स पर डिजिटल इंडिया काम करता है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजों को तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्विस डिलीवरी प्रदान करने को लक्ष्य रख के इसको तैयार किया गया। इसी क्रम में स्किल इंडिया डिजिटल हब भी बनाया जा रहा है। तो हमारा जो जितना भी कौशल से संबंधित कार्यक्रम है, जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनका डेटा ऑनलाइन हमारा अवेलेबल हो और हम ये पता कर सके कि किस तरह से हम अब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर सके और जो बचे हुए हैं उनको कैसे कर सकते हैं, तो वो डिजिटली अगर अवेलेबल है तो उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सितंबर 2023 में
इस डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब शुरू किया गया था। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता, इनका जो एक परिदृश्य हमारे यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं लगातार, जितनी भी योजनाओं से लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं, उन सबके डेटा को एक जगह लाना चाहता है। इससे क्या होगा, इससे ना केवल हम उसको रिव्यू कर पाएंगे कि भैया अभी तक हमने कितना किया, इससे हमारे जो उद्योग है उनको ये पता चल पाएगा कि किस किस फील्ड में कितने लोग हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और जो कौशल प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर मान लो उनको कोई बंदे चाहिए रोजगार के लिए, तो वो उनको डायरेक्टली यहाँ से रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। ये सारा सब कुछ इसमें हो जाएगा। ये हो गया स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में। अब कौशल विकास से जुड़े डिजिटल और भी उपयोग किए गए, जिन पर भी बात करूं, तो पहला है स्ट्राइव। स्ट्राइव है औद्योगिक मूल्य संवर्धन कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना। खाली इसका नाम आप याद रखिए, तो इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारी है, ठीक है, उनकी वैल्यूज डेवलप हो, ठीक है, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कौशल युक्त हो, उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। दूसरा क्या किया, कौशल से जुड़ी हुई चीजें देने के लिए, मतलब बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं उनके लिए हमको ई कंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी भारत स्किल्स पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है। तो ये एक और इनोवेशन है जो यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें ई पुस्तकें, प्रश्न बैंक, ई लर्निंग वीडियो, ये सारे सम्मिलित है। और ये इसके अलावा क्या किया है, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, मैंने आपको बताया था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है, उभरती हुई तकनीकें जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जिन पर चर्चा होती है या जिनमें इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसमें आ जाती है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एक्सटेंडेड रियलिटी, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है। इसके अलावा आपके क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, इसके अलावा आपके AI हो गई, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये सारी चीजें। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जैसी बड़ी कंपनियां, सिस्को, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनियों के साथ में बहुत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU या समझौता ज्ञापन किए गए हैं, और उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इन टेक्नोलॉजीज में हमारी जनता को स्किलफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। और CSR के ही तहत IBM के सहयोग से 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं नेटवर्किंग, IT और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये टर्म्स हम कभी बाद में फिर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपको कोई पूछे कि स्किल इंडिया में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो आप याद रखिए स्किल इंडिया डिजिटल हब, ठीक है, इसके अलावा भारत स्किल्स पोर्टल, इसके अलावा आपका स्ट्राइव परियोजना, या फिर CSR में कार्य किए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हम वर्तमान में कर रहे हैं, इन सब पर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो स्कीम हमारी आती है वो है संपूर्णता अभियान। तो संपूर्णता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, और मान के चलना परीक्षा में आपको क्वेश्चन देकर जाएगा अगली जो भी परीक्षाएं हो रही है उनमें। क्यों? क्योंकि इसको शुरू करने वाला है नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसको हम हमारे योजना आयोग के स्थान पर हम लाए थे, और एक प्रकार का थिंक टैंक है ये, जो बहुत से डेटा उपलब्ध कराता है, बहुत सी रिपोर्ट्स जारी करता है, और लगातार सरकार को सलाह देता रहता है कि किस तरह से वो अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कुछ आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसने एक शुरू किया था, ताकि जो हमारे बहुत पिछड़े हुए जिले हैं देश भर के, उनको समानता के स्तर पर लाया जा सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 जुलाई से इस प्रोग्राम को शुरू किया है और 30 सितंबर तक ये चलने वाला है। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें 5 जिले राजस्थान के भी हैं, ठीक है, और 500 जो ब्लॉक है, इनमें 12 अलग अलग जो हमारे सोशल सेक्टर्स है, सोशल सेक्टर्स में क्या क्या आता है, हमारे शिक्षा आती है, ठीक है, इसके अलावा रोजगार हो सकता है, उद्यमिता वाले क्षेत्र हो सकते हैं, ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, पेयजल हो सकता है, इन क्षेत्रों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना, मतलब 100% हमारे इन जिलों के अंतर्गत इन चीजों को हम उपलब्ध करा पाए, उसके लिए काम किया जाएगा। तो वैसे तो इस योजना पर बहुत लंबे समय से, पिछले 4-5 सालों से काम हो रहा है, लेकिन अब एक अभियान के रूप में सरकार इनमें काम कर रही है। और इसमें क्या क्या किया जा रहा है, ग्राम सभा, क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण की के रूप में उभर करके सामने आती है। नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, ताकि स्वास्थ्य और जो सेक्टर है उसमें काम किया जा सके, स्वास्थ्य के शिविर, ताकि बीमारियों को आइडेंटिफाई किया जा सके, जागरूकता, ICDS शिविर,
आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो समग्र रूप से हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो चार मुख्य फैक्टर्स हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे स्टंटिंग हो जाती है, ठीक है, बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ पाती या वजन कम होता है, इन सभी चीजों को एड्रेस करने के लिए आईसीडीएस काम कर रहा है लगातार। जो पोषण जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के थ्रू चल रहे हो, चाहे किशोरियों में चल रहे हो, एनीमिया से जुड़े हुए चल रहे हो, सारे सब कुछ इसमें कवरअप होते हैं। जागरूकता मार्च, ठीक है, रैलियां, प्रदर्शनी, पोस्टर मेकिंग, कविता प्रतियोगिता, मतलब कुल मिलाकर के लोग अवेयर हो पाए, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में जो उनको उनके आसपास के क्षेत्रों में मिल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पेयजल हो, वो महिला सशक्तिकरण हो, वो लैंगिक भेदभाव में कमी हो, उन सभी चीजों को हम इसमें कवरअप करते हैं। और कहां पर 112 आकांक्षी जिलों में, तो ये संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हो रहा है। तो क्या याद रखना है, इसकी अवधि कौन चला रहा है, ठीक है, क्या नाम है, किसके लिए है, ये सारी चीजें अगर कवर हो गई तो आपका आंसर आराम से निकलेगा। 2 से 3 लाइनों के साथ में इसमें से क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नाम से जो है एक ऑपरेशन शुरू किया गया था 2018 में रेलवे के द्वारा। तो अभी इसका डेटा आया था कि कितने लोगों को इसमें अब तक लाभ दिया गया, तो ये क्या है, ये चर्चा में था तो हम बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कई बार क्या होता है कि रेलवे में सफर करते समय बच्चे पीछे छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और 7 वर्षों के दौरान लगभग 84,000 बच्चों को बचाया गया, क्योंकि अगर बच्चा गलती से भी अपराधिक तत्व वाले लोगों के हाथ में पड़ गया तो डेफिनेटली उसको या तो किसी तरह की मानव तस्करी में या फिर इस तरह की जो भीख मांगने के काम है या उन कामों में लगा दिया जाता है या उनको बाल श्रम में लगा दिया जाता है। तो उनको बचाने के लिए त्वरित रूप से रेलवे के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो ये भी चर्चा में रहा, इसलिए बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑपरेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हाल ही में जो अपना जो सत्र चल रहा था केंद्र सरकार का, उसमें चर्चा की गई। 1 जून 2020 को इसको शुरू किया था। आप सभी जानते हैं कि 2020 में कोरोना काल जब चल रहा था तो पूरे देश भर में एक अभियान चलाया गया था जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे अलग अलग सेक्टर्स में से, और उसी में से एक था जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग था कोरोना की वजह से, जिसको हम बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले। तो आपने देखा होगा ठेले लेकर के बेचने वाले सामान वाले खूब लोग होते हैं, और उन लोगों का जो आजीविका है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी क्योंकि लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था और वो बिना मूवमेंट के उनका किसी तरह का कोई है उनको नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत मतलब बिना किसी कॉलेट्रल के 80,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल भी आपको पढ़ना पड़ता है, कार्यशील पूंजी आपके जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, पोर्शन है पेपर 1 में, उसमें तो कार्यशील पूंजी मतलब जिस पूंजी का उपयोग हम त्वरित रूप से जिसको चेंज कर सकते हैं वो कार्यशील पूंजी में आती है। हमारे रोजमर्रा के बिजनेस में जो काम होते हैं उनके लिए जो पैसा हमें लगाना पड़ता है वो कार्यशील पूंजी में सम्मिलित होता है। तो उसके लिए उनको 80,000 तक का ऋण देने की बात थी, जिसमें 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाता है, और अगर कोई समय पर जमा करेगा तो उसको बदले में 1200 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जाएगा, ये प्रावधान इसमें किए गए थे। और डिटेल में अगर हम देखें तो ये कोई एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप पहला ऋण चुका दोगे तो दूसरा ऋण आपको मिलेगा, इस तरह के प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। तो यहां से आप देख सकते हैं पहली बार आपको 10,000 का लोन मिलेगा फ्री वर्किंग कैपिटल, मतलब 10,000 आप लो और उनको किस्तों में चुकाओ, ठीक है। अगर आपने चुका दिया तो आपको 1200 रुपए वापस से एज ए सब्सिडी जो है वापस दे दिए जाएंगे। एक साल के लिए ये ऋण दिया जाना था, मतलब 10,000 रुपए की 12 किस्तों में आपको चुकाना था। इसके बाद में 7% का इसमें इंटरेस्ट जो है छूट दे दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया 1200 रुपए कैशबैक के रूप में। फिर उसके बाद देखिए अगर आप टाइम से चुकाते हो तो आपको फिर 20,000 का और तीसरी बार 50,000 का लोन यहां पर दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 किस्तों में लोन दिया जाएगा 80,000 रुपए तक का हर एक रेहड़ी पटरी वाले को। ये व्यवस्था इसमें की गई थी, 1 जून 2020 से योजना शुरू हुई है। तो ये चर्चा में थी इसीलिए इस पर मैंने अभी बात की है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है उसका नाम है DAY NULM, ठीक है। DAY क्या है, यह है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना हमारे यहाँ पर चलने वाली पुरानी योजनाओं को बंद करके 2013 के बाद में और फिर 2015 से DAY हमारे पूरे देश भर में लागू है। इसके दो घटक हैं, एक है
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो एक तो जहां ग्रामीण क्षेत्र में, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजगार, मतलब आपको एक रोजगार की प्राप्ति हो सके इसके लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, वो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही हो जाए उसके लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये चल रहा है। इसका एक कंपोनेंट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो जो शहरी लोग हैं उनको रोजगार, खास करके स्वरोजगार, रोजगार ही नहीं स्वरोजगार, मतलब उनको इस तरह से मदद देना ताकि वो अपने लिए खुद रोजगार डेवलप कर सके और उस रोजगार के माध्यम से वो अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके, मतलब उनको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, उसके लिए इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें शहरी बेरोजगार जो बेघर है उनके लिए घरों की व्यवस्था भी की जा रही थी, और भी बहुत सी चीजें जैसे उनको ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज देना और सड़कों की जो चिंताएं हैं उनको दूर करना, ये सारा भी आपके इस योजना में सम्मिलित है। कब से शुरू हुई थी ये, 24 सितंबर 2013 से। तो इस पर भी बजट में अभी हाल ही में चर्चा हुई, उसमें प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए इसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। चलिए, एक और जो स्कीम है वो है कौशल उन्नयन प्रोग्राम द वॉयस बॉक्स। तो वॉयस बॉक्स किसके लिए है, वॉयस ओवर कलाकारों के लिए। वॉयस ओवर कलाकार कौन होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे एनिमेशन मूवीज होती है तो उनमें जो जानवर होते हैं उनको आवाज दी जाती है, आपने सुना होगा कभी शाहरुख खान ने उसको आवाज दी है या उसने उसको आवाज दी है, ये वॉयस ओवर कलाकार होते हैं। तो कई ऐसे कलाकार होते हैं जो डबिंग वाले काम भी करते हैं, जैसे दक्षिण भारत की जो फिल्में होती है उनके लिए, अब वो वहां पर तमिल में बनेगी, अब हिंदी में अगर उसको करना है तो उसके लिए वॉयस ओवर कलाकार क्या करेगा, उसको डब करता है। ऐसे कलाकारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स इंडिया दोनों ने मिलकर के द वॉयस बॉक्स जो है प्रोग्राम चलाया है, ताकि जो भी कलाकार इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको मान्यता दी जा सके। तो नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसमें हम पढ़ेंगे इसको कभी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि मसौदा नियम। मसौदा नियम मतलब है ड्राफ्ट रूल्स जो होते हैं, मतलब कभी भी रूल्स बनने से पहले एक बार उनको सार्वजनिक किया जाता है ताकि लोगों की कमेंट्स उन पर लिए जा सके। तो एक मसौदा नियम हाल ही में डिजिटल भारत निधि के लिए दिया गया है। किसने दिया है, ये दिया है आपके जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके द्वारा, ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये क्यों दिया है, ताकि लोगों को ग्रामीण, दूर दराज और गरीब शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो फोन सेवाएं बेहतर हो सके उसके लिए एक डिजिटल भारत निधि विकसित की जाएगी और उससे जुड़े रूल्स यहाँ पर बनाए गए। निधि क्या होती है, जहां से पैसा खर्च किया जाता है किसी भी योजना के लिए, एक तरह का फंड होता है। ठीक है, तो पहले अभी ये सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से इनके लिए फंडिंग की जा रही थी, उसकी जगह अब डिजिटल भारत निधि के माध्यम से फंडिंग की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सनेट 2.0 परियोजना। किसने शुरू की है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। तो टैक्सनेट 2.0 भी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और सर्विसेज प्रदान करती है हमारे कर विभाग को। तो आयकर विभाग जो है वो उसको कनेक्टिविटी प्रबंधन या मैनेजमेंट सर्विसेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सर्विसेज देना, ये पॉसिबल हो पाता है जब एक अच्छा उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और यही दिलवाने के लिए, खासकर कनेक्टिविटी में बैंडविड्थ दिलवाने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना दी गई है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ पर फेसलेस जो है असेसमेंट वाली स्कीम्स को शुरू किया गया है, जैसे कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं और उसमें कोई गड़बड़ है तो सीधा उसको जो है फेसलेस असेसमेंट आप उसमें होता है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी जरूरी है। अगर इनकम टैक्स का पोर्टल अगर ढंग से कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं कर पा रहा तो लोगों को कितनी दिक्कतें होती है, उसी चीज को लेकर के और अपग्रेड करने के लिए टैक्सनेट 2.0 नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया और ये मैसर्स भारती एयरटेल को दिया गया। यही ध्यान रखना है कि किसको दिया गया है, मैसर्स भारती एयरटेल को दिया गया, और किससे जुड़ी हुई है, टैक्सनेट योजना, नाम में दिख रहा है टैक्स लिखा हुआ है, तो किससे जुड़ी होगी, प्रत्यक्ष कर, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स से। टैक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं लेकिन उन पर अभी चर्चा करना सही नहीं होगा, आगे चलते हैं। अगला कार्यक्रम है सेहर कार्यक्रम। ठीक है, सेहर कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसको शुरू किया है महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिबिल के द्वारा। ये एक संस्थान है जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है, इन दोनों ने मिलकर
महिलाओं के लिए वित्त मतलब फाइनेंस की व्यवस्था, ऋण मतलब लोन, इन तक इनका पहुंच हो और प्रबंधन के क्षेत्र में ये अच्छी तरह से जागरूक हो, इसके लिए संसाधन और उपकरण प्रदान करने का ये काम करेगा। तो कभी आपको दिख जाए सेहर प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये किसने लॉन्च किया है, इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो आप सीधे ये तीन चार पॉइंट याद कर ले। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, केवल ये नाम और इनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको याद कर लो, तो सीधा सीधा आपको कोई भी अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो वहां पर आप जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो ये स्कीम अभी हाल ही में पूरी हुई है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 जुलाई तक इसको ओपन किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करना था, मोबिलिटी मैंने आपको समझाई दिया परिवहन से संबंधित है, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों की परिवहन को बढ़ावा देना, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। तो इसके लिए इसको शुरू किया था, उद्देश्य था 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को लोग अपना सके। कैसे अपनाएंगे, पैसा खर्च होता है बहुत ज्यादा, बहुत महंगी है टेक्नोलॉजी, तो क्या करें, चलो प्रोत्साहन दो, कुछ पैसा अपनी तरफ से दो। अगर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं सरकार बोल रही है कि ठीक है यार लो 10,000 रुपए हमसे भी ले लो और थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा तो खरीदो। ठीक है, तो जहां 2 पहिया के लिए 10,000 रुपए है, वहीं पर अगर हम बात करें 3 पहिया छोटे वाहन तो उनके लिए 25,000 रुपए पर वाहन, और जो बड़े 3 पहिया वाहन है उनके लिए 50,000 रुपए पर वाहन की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनेगा तो रोजगार पैदा होंगे और इस तरह से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक की तरफ जब व्यक्ति बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डीजल और बाकी वाहनों का प्रयोग कम कर देगा। ठीक है, एक अच्छा विनिर्माण उद्योग हमारा बढ़ पाए, और कभी भी फ्री चीज देने के बजाय अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो डेफिनेटली उसके लॉन्ग टर्म के लाभ होते हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रीबीज को बुरा माना जाता है, प्रोत्साहन वाली योजनाओं को अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रोत्साहन में सरकार थोड़ा सा सहारा देती है और वो सहारा अपने आप में ही पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहां पर दी रखी है जिस पर हमने चर्चा भी कर ली। आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो हमारे करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर्स है अगर उनको कवरअप करना चाहते हैं, जिसमें आपका पूरा बजट और इकोनॉमिक समरी भी है, तो उसके लिए आरएस जंक्शन की दोनों बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको भी आप जरूर देखें। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के और इन बुक्स को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हमने कंप्लीट कंटेंट को कवर किया, और इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा की ओरिजिनल बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। चलिए अंतिम आज का हमारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो अंतिम टॉपिक जुड़ा हुआ है व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना से। तो पीएलआई योजनाएं क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, इनको बोलते हैं उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो होता क्या है कि सरकार सीधे छूट ना दे करके बोलती है कि तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, तुम जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे हम उसके अनुपात में तुमको उतना ही 2 से 3 या 4 या 5% तक अपनी तरफ से टैक्सेस में और बाकी चीजों में छूट देते। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव में सरकार ने बोला भाई 1 लाख अगर तुम चीजों का उत्पादन कर दोगे तो सीधा सीधा हम उसकी लागत का 5% तुमको दे देंगे। इस तरह से किसी भी सेक्टर में विशेष में आप चीजों को डेवलप कर सकते हो। अब यहाँ पर व्हाइट गुड्स का नाम देख रहे होंगे आप, तो व्हाइट गुड्स क्या होती है, व्हाइट गुड्स वे घरेलू बड़े उपकरण होते हैं जो रोजमर्रा में उपयोग लिए जाते हैं और जिनका कलर आमतौर पर व्हाइट हुआ करता था पहले, अब अलग अलग कलर्स में आता है, लेकिन आपने देखा होगा पहले मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका जो एसी हो गया, ये सारी रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारे व्हाइट कलर में आया करते थे और इसीलिए इनका नाम पड़ गया व्हाइट गुड्स। इन्हीं का एक और अल्टरनेटिव होता है ब्राउन गुड्स। अब ब्राउन गुड्स क्या होती है, ब्राउन गुड्स छोटे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग अक्सर कार्यालयों में किया जाता है, जैसे कि आपके लैपटॉप हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये ब्राउन गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो कभी आपको व्हाइट गुड्स पर कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाए तो वहां पर फिर आप आंसर लिख पाएंगे कि व्हाइट गुड्स क्या होती है। तो व्हाइट गुड्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी क्या किया है, हाल ही में विंडो ओपन किया था 4 महीने के लिए, वे ये योजना 2021-22 से 28-29 तक लागू है, और इसके अंतर्गत एसी, एलईडी लाइट और इस तरह के जो घटक हैं उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत में स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। चलिए, तो ये थे दोस्तों वो सारी स्कीम्स जो जुलाई महीने से जुड़ी है, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच की, इन पर हमने चर्चा कर ली। तो हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स भी पूरा हो गया और इसके साथ साथ स्कीम्स भी पूरी हो गई।
अगली क्लास में हम कुछ और टॉपिक लाएंगे जिसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे और बाकी बहुत सी चीजों पर एक एक करके। तो डेली करंट अफेयर ना ला करके पूरे महीने का एक साथ अगर हम पढ़ लें और फिर उसको टाइमली रिविजन कर लें तो हमारे वो पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह। धन्यवाद।